अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से दूर जा तलाश में, परवाह देख परवाने की आसमान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाद ब्लॉग। तो यार दोस्तों, आज मैं सारे पार्सल से रिसीव नहीं हुआ है मुझे। मैंने टोटल 7 प्रोडक्ट मंगवाए थे, अभी मुझे कितने 5 प्रोडक्ट रिसीव हो चुके हैं। 2 रहते हैं, एक ट्राईपॉड, एक फ्लावर, तो भी ये देखिए सारे आ गए। और एक को मैंने अभी अनबॉक्स करा है, ये देख सकते हैं आप। तो एक साथ आए थे, तो एक को मैंने अभी अनबॉक्स करा है। तो आप इसको, मैं आपको बैक कैमरा करके इसकी प्राइस दिखाता हूँ और अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें से मैंने एक ही वाला अनबॉक्स कर लिया है। इसकी प्राइस देख सकते हैं, आपको इसकी प्राइस दिखा दूँ। ये कितने 844 की थी, 8GB लाइट थी इसके अंदर, जो कि अभी अभी डिलीवर हुआ है मुझे। ये थी 8GB लाइट। तो पहले सबको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो एक ही कल क्या मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। और अभी जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये इसके साथ ही ज्वाइंट हुआ है, इसकी प्राइस है 139 इस पर फोक। हाँ, ये देखे, और इसको अनबॉक्स करते हैं, इन दोनों की कर लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ख़राब भी निकल सकती है, तो फिर बाद में रिटर्न नहीं होगी। तो यार ये शायद मैंने आई थी नहीं मंगाई थी वो है, तो ये इसकी पैकिंग है, देखिए इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये फोन है। यार बस ये मेरे हाथ में आ जाए, देखें साइज़ 3 क्योंकि मेरे हाथ में आ जाए किसी तरह। ये मैंने बहुत ही मुश्किलों से ढूंढ के फिर मंगाई थी, ये मेरे हाथ में आ रही है। फिर तो इसका साइज़ मैंने 3 मंगवाया था और एक 4 भी था, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था यार, ये मुझे 3 मंगाना चाहिए कौन सा। तो ये देखिए ये रिंग है यार, बड़ी प्यारी है, 139 रुपीज़ में मैं इसको पहनता हूँ। ये देखिए बिल्कुल फिट आ रही है, तो इसको पहन लेते हैं और दूसरी चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि हमारी ये है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। यार ये देखिए तो इसके साथ एक पहले पेपर मिलता है, उसके बाद में। और इसकी प्राइस मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस है 180 और आपको फोकस करके दिख रहा है, दिख तो जाओगा। तो ये सीलर है शायद, हाँ देख सकते हैं सुपर सीलर। तो इसको भी पहले बाद साइड में रखते हैं, ये सब आखिर में होगा उसकी टेस्टिंग। तो अब ये 2 बॉक्स हैं, इसके लिए ये वाली इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे ख्याल से हेडफोन से भी मैंने मंगवाई थी 935 रुपीज़ के अंदर। ये देखें आप, ये पता नहीं फोकस भी नहीं हो पा रहा यार, बहुत बड़ा लगता है फोकस नहीं हो पा रहा। चलो छोड़ो यार, 935 इसकी प्राइस है। अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं जल्दी से, समझ नहीं आ रहा इसको कैसे अनबॉक्स करूँ। तो मैं नाइफ लाता हूँ फिर उससे करते हैं। तो यार मैंने लिया कि नाइफ इतनी बड़ी, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये तो फट जाएगा ऐसा लगता है इससे। तो ये देखें टूट गया, और इसके अंदर हेडफोन ही है सही। तो शुक्र यार डब्बे के अंदर आई है ये हेडफोन। तो ये छोटी लग रही है मुझे, तो इसका डब्बा है तो खोलते हैं। तो ये रेड कलर का बॉक्स मिल जाता है आपको इसके अंदर, तो इसको भी खोलते हैं। तो ये रही हमारी हेडफोन्स, ये देख सकते हैं आप इसकी। तो ये इसकी पन्नी है, और ये आप देख सकते हैं हेडफोन्स। इसको ऑन करके चेक करता हूँ, बटन 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 बटन, इसका बटन किधर की तरफ है। तो यार मैंने देखे इसको चार्जिंग को लगाया, तो ये अब चार्ज हो रही है, रेड लाइट जल रही है। तो ये चार्ज नहीं है, तो इसको चार्ज होने देते हैं, साइड में रख देते हैं, और हम अपने अगली चीज़ की जानिब बढ़ते हैं। इसका बॉक्स बॉक्स सारी चीज़ें साइड में कर देते हैं, और इसके बॉक्स में आपको एक सेलर पेपर मिलता है, जो कि हर में ही मिलता है साइड में। तो अब हमारी आती है सबसे बड़ी, इसकी प्राइस मैं आपको दिखा दूँगा, ये थोड़ा भारी भी है। और इसकी प्राइस है 533 रुपीज़, इसको फोकस नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हाथ पे लग गया,
उसको अनबॉक्सिंग करते हैं सही से। अनबॉक्सिंग और मेरे हाथ में देख लग चुकी है, तीन दिन निकल रहा है एल्बम का। तो ये सेलर पेपर मिलता है, इस पर आपको स्क्रैच चेक करवा दूँ क्योंकि उस पर तो सही फोकस ही नहीं हो रहा था। एक मिनट देखें, 533 को भी साइड में लगते हैं। ये गत्ते भर दिए इसके अंदर और ये इसका चार्जर, वो ये मेरे ख्याल से लैंप है। हाँ ये लैंप है, इसका वायर मिल जाता है और ये भारी सा ये हमें लैंप मिलता है, तो इसको भी खोलते हैं। अभी बहुत भारी है और इसके आप अंदर देख सकते हैं फोम दिया था ताकि टूटे नहीं। तो अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं। यार पैकिंग तो बड़ी अच्छी करके दी है, नहीं भारी भी बहुत है। इसको मैंने अपनी गोद में रख लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना भारी है। इसकी पन्नी तो उतर चुकी है, इसका बल्ब भी इसके साथ ही आया है ये छोटा सा, और इसकी ये कागज है इसके अंदर जो कि ये भी हिल रहा है, इसको निकालना। तो ये भी निकल गया और अब इसके अंदर हम बल्ब लगाते हैं होल्डर के अंदर, इसको चलाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं अनबॉक्स। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को चलाते हैं। अब ये पता नहीं है कि ये ख़राब बल्ब है या सही है, तो इसको पहले अंदर फिट करा और पहले इसको चला के चेक करते हैं। तेल भी टूटता तो यार ये एक लैंप की तरह है, मुझे अच्छा लगा था, सेल लगी हुई थी तो मैंने मंगवा लिया इसको। तो यार ये नहीं जल रहा, आप देख सकते हैं। तो एक मैं इसको भी लगाता हूँ, फिर चला के चेक करते हैं क्योंकि अभी तो नहीं चल रहा ये, अभी पता नहीं कैसे है लगेगा। तो मैं इसको लगाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये इसका बटन था, मैंने बटन खोला नहीं था और ये देख रहे हैं ये सही निकला, चलो शुक्र है। इसका बटन जो मैंने मंगवाया था लैंप और इसको फिट कर दिया। तो हम दूसरी टीवी जाने पड़ते हैं, RGB लाइट्स, उसको अनबॉक्स करते हैं। तो उसको मैं साइड में रख देता हूँ जला के, अच्छा लग रहा है। तो यार अभी RGB लाइट्स हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, ये चेक करते हैं जल्दी है नहीं जल्दी। तो इसको यहाँ से पैकिंग तो अच्छी है यार, दराज और पीके वालों की ये अब चेक करते हैं। पैकेट के अंदर आती है और इसकी प्राइस यार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, इसकी प्राइस थी पता नहीं यार उधर की तरफ गिर गया, इसकी प्राइस 935 रुपीज़ थी शायद। तो इसको खोलते हैं, तो ये देखें खुल चुका है और ये आपको इसके साथ ही RGB पूरा इसका पत्ता मिलता है, साथ में रिमोट मिलता है और ये चार्जर मिल जाता है आपको इसका और ये मिल जाता है। तो इसको चलिए जल्दी से टेस्टिंग करते हैं इसकी। और ये आपको सेंसर मिलता है जो आपकी LED को रिसीव करता है। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, पता नहीं ये उल्टा है सीधा है, तो ध्यान से इसको लगाना। तो यार ये देखें लग चुका है और अब मैं इसके अंदर चार्जर इनपुट करता हूँ, इसको भी खोल लेते हैं चार्जर को भी।
तो मेरा चार्जर ये पता नहीं कितना है, कितने वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट DC 2 एम्पीयर का है। ये इसके अंदर लगाई हमने, और अब इसको चला के चेक करते हैं। वो ये देख सकते हैं अभी जल चुकी है, तो लाइट है। और अब इसका रिमोट की टेस्टिंग करते हैं, रिमोट भी खोलते हैं इसका। आपको यहाँ पे पन्नी मिलती है जो आपके सेल के बीच में लगी होती है, तो उसको ऑफ करके चेक करते हैं। तो ये देखें ऑफ हो गई, और ये ऑन करता हूँ, ऑन हो गई, और ये येलो करता हूँ मैं, तो येलो हो चुकी है। ये डार्क ग्रीन, वाइट, और ये कौन सी स्मूथ, ये स्मूथ हो गई। इससे क्या होता है, और ये आर से क्या होता है, आर से रेड, ग्रीन, ये हर कलर मिल जाते हैं आपको, इसको खोलते ही हैं। आप इसको कहीं चिपका भी सकते हैं आराम से, देखिए। तो ये भी हमारा सही निकला है, मैं अब इसको ऑफ कर देता हूँ, ये ऑन हो गई। तो ये अब मैं ऑफ का बटन दबाता हूँ, तो ये ऑफ हो गई ऑन, तो ये भी सही निकली है। तो अब मैं सीलर की तरफ बढ़ते हैं, अपने जो दूसरा सीलर था इसको साइड में रखते हैं। ये इसका चार्जर है 12 वोल्ट 2.1 एम्पीयर का, इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अब सीलर की बारी आ जाती है, ये रहा जो सीलर, अभी इसको हमने अनबॉक्स करा था, तो अब इसको भी खोलते हैं। इसको यहाँ से काटना पड़ेगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग बड़ी इनकी अच्छी होती है पैकिंग। खोल दिया सीलर, यार ये रहा हमारा सीलर, इसको भी खोलते हैं। और यार इसके पैकेट को पैक करता है, और ये पता नहीं सही है ख़राब है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तो यार ये है हमारा सीलर जो आप देख सकते हैं, शायद यहाँ से आई थी, यहाँ से करता होगा। तो यार अभी सेल लेके आता हूँ मैं, और यहाँ पे शायद सेल लगते हैं, हाँ यहाँ पे 2 बैटरी लगती है, सेल लेके आता हूँ, फिर लगा के दिखाता हूँ, और कुछ चीज़ सेल करके देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। सेल ले आया मैं, तो इसको हम जल्दी से टेस्ट करते हैं कि सेल कर पाता है नहीं। तो ये पॉजिटिव का माइनस का ओवल की तरफ है, एक सेल नहीं लगेगा, एक सेल नहीं लगेगा। तो ये दोनों लगा दिए, और इसको ओवल लगा देता हूँ। दिया तो अब हम कुछ चीज़ मैं लाता हूँ, उसको पैक करके देखते हैं। तो ये मेरे पास ये पैकेट है, आप ये देख सकते हैं खुला हुआ है ये बिल्कुल, अब इसको पैक करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये हो रहा है मेरे ख्याल से। यार ये देखें यहाँ से तो हो गया ये, अब खुला है ये, तो ऐसे काम का तो है यार ये बड़ा। तो यार दोस्तों, तो यार ये काम था सीलर का, बड़ा अच्छा था। तो यार अब आखिरी चीज़ रह गई है वायरलेस हेडफोन, तो उसको चेक कर लेते हैं हम। हेडफोन के अब मैंने चार्ज पे लगा दी थी, लेकिन अब चार्ज हो गई है, जब ऑन नहीं हो रही थी। तो अब मैं उसको लाता हूँ, और आपको आवाज़ भी चेक करवाता हूँ कनेक्ट करके अपने टेबलेट से। तो यार ये भी हेडफोन आप देख सकते हैं, तो ये जब ऑन नहीं हो रही थी, तो ये जो इसको ऊपर वाला बटन है, तो आपने इसको दबा के रखना है। तो ये देखिए ऑन हो चुकी है, लाइट ग्लो हो रही है ब्लू कलर की। तो अब आपने क्या करना है, मोबाइल में अपना टैबलेट को ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, या P47 आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कनेक्टिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, तो ये कनेक्टिंग हो रही है इसकी, ये कनेक्टेड हो गया, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो अब मैं इसमें कोई गाना प्ले करता हूँ, सकते हैं कितना बिखरा हुआ है सामान, यहाँ सारा दराज 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 का हो रहा है, और नीचे भी देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे भी दराज दराज, सारी चीज़ें दराज की पड़ी हुई है। करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी मुझे सेटअप भी अपना सही करना है, बिखरा हुआ है जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं, अपग्रेडेशन नहीं है तो अपग्रेड करनी है। तो अभी मैं आज दावत में भी जाना है मुझे यार, तो आज नहीं कर सकता, तो मैं कई और दिन करूँगा।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी। तो जब तक के लिए बाय बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।